हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो उस डाइपोल पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमने ये देखा था कि कोई भी डाइपोल है, यदि आप उस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या यूँ बोल सकते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस सिचुएशन में जो टॉर्क होगा डाइपोल पे उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई। पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि टॉर्क का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो पी इंटू ई हो सकता है। पी क्या होगा? आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? पी इंटू ई होगा। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यही क्या है, देखो ये डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल का जो डाइपोल जो है वो थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा गया है। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रोटेट कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ लिख रहे हैं कि अब अगला जो टाइप है कि वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था कि वर्क डन बाय द टॉर्क क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ वर्क डन बाय द फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो है तो फोर्स के द्वारा कोई काम नहीं होगा। काम कौन करेगा? टॉर्क करेगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था रोटेशनल मोशन में, हमने ये पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कि वर्क डन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपल टॉर्क डी थीटा होता है। यही होता है ना, समझ में आया क्या? यही होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब मान लो देखो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, समझ में आया? अभी डाइपोल क्या है? डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, ऐसे सोचो आप, अलाइन किया है। ठीक है, यही क्या है? पी का डायरेक्शन है। पी इक्वल टू क्या होगा? सेपरेशन ऑफ चार्ज इंटू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या है, वो अलाइन किया हुआ है। अब मैं बोलूँ कि नहीं, इस डाइपोल को क्या करना है मुझे, डाइपोल को 90 डिग्री, अभी देखो तो इनके बीच डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो इस डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करने में कितना काम करना पड़ेगा, या 180 डिग्री रोटेट करने में कितना काम करना पड़ेगा, उसी को हम देखेंगे। समझ में आया बात? तो हम यहाँ से ये मान लेंगे, समझ में आया क्या? ठीक है, हमने ये मान लिया कि अभी अब डाइपोल को हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे क्या किया? रोटेट किया। और फर्दर हमने क्या किया, डी थीटा एंगल पे क्या किया? टर्न किया। समझ में आया क्या कि डाइपोल फर्दर हमको क्या करना है, थीटा
एंगल पे है, इसको थीटा से डी थीटा पे टर्न करने के लिए काम कितना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि वर्क डन डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, टाव क्या होगा, डी थीटा। ठीक है, समझ में आया ना, ये वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू थ्रू डी थीटा। ठीक है, तो यदि मुझे थीटा वन एंगल से देखना, थीटा हमने किसके साथ लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये ध्यान रखना। ठीक है, मान लो कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, थीटा एंगल पे है, उसको फर्दर डी थीटा एंगल टर्न करने के लिए मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। अब मैं यहां बोलूं, देखो ध्यान से, वर्क डन व्हाइल रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, इसका मतलब क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टॉर्क टी डी थीटा थीटा वन टू थीटा टू। और बेटा यहाँ टॉर्क क्या लगेगा बता सकते हो, जब टॉर्क यहाँ क्या है, ये थीटा एंगल पे है, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे जब है तो यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा बता सकते हो, पी क्रॉस क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, और टॉर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, मैग्नीट्यूड हमने जस्ट लिख दिया। अब कुछ नहीं है, टॉर्क का ये वैल्यू रख दोगे आप तो कितना हो जाएगा, देखो पी ई ठीक है साइन थीटा डी थीटा थीटा वन टू थीटा टू। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, समझ में आया, तो ये कितना हो जाएगा पी ई पी इंटीग्रेशन थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा क्या हो जाएगा डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है वो अपने को मालूम है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्या है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ, ठीक है, तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू क्या है थीटा टू, ये दिस इज इनिशियल एंगल और ये क्या हो गया फाइनल एंगल, समझ में आया, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, थीटा वन टू क्या हो जाएगा थीटा टू, समझ में आया। अब यहाँ से आप लिख सकते हो वर्क डन व्हाइल थीटा रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस पी ई ठीक है कॉस थीटा टू माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा वन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा वन से थीटा टू रोटेट करने में कितना काम करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से पी ई इंटू कॉस थीटा वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा टू। ठीक है, ये दिस इज नथिंग बट द क्या है, वर्क डन बाई क्या हो गया, वर्क वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ये याद रखना, वर्क डन बाई क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स, तो पी ई पी ई कॉस थीटा वन माइनस क्या होगा कॉस थीटा टू। थीटा वन क्या है, इनिशियल इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ठीक है, थीटा टू क्या है फाइनल एंगुलर समझ में आया क्या। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वर्क डन। अब याद रखना है कि दो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एक तो सिंपल मैंने बताया था कि जब भी फिजिक्स में पूछा जाए कि वर्क डन, इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना काम करना है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यदि ये बोला जाए कि नहीं वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स, तो हम जानते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि यहाँ अपने को क्या करना है, मिनिमम काम करना है, तो डाइपोल को रोटेट करने में मिनिमम काम कब हम कर सकते हैं, जब उसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या करें रोटेट कराएं। यदि उसके पास कुछ वेलोसिटी है, आई मीन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ठीक है, से हम क्या करें रोटेट कराएं, यदि उसके पास कुछ स्पीड है, अदरवाइज उसको जीरो एंगुलर स्पीड से हम क्या करें
रोटेट करा है, समझ में आया ना। तो कभी कभी भी पूछा जा सकता है कि वर्क डन बाई फील्ड फोर्स कितना होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्क डन बाई फील्ड फोर्स कितना होगा बेटा। तो हम पढ़ सक हम लिख सकते हैं फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम डब्ल्यू टी आई मीन टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा डेल्टा के ई आर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, समझ में आया ना। तो यहाँ काम कौन कर रहा है, देखो ध्यान से, काम कौन कर रहा है, ठीक है, यहां काम कौन कर रहा है देखो, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय क्या होगा, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स प्लस क्या हो जाएगा वर्क डन बाय क्या होगा एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो यहां याद रखना है कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट जो होगा एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा माइनस वर्क डन बाय क्या होगा फील्ड, ठीक है। यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब इट इज नॉट गिवन दैट वेदर द वर्क इज वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज बीइंग कैलकुलेटेड और सॉरी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग कैलकुलेटेड और वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स देन ऑलवेज कंसीडर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, समझ में आया बात। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो ठीक है, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स तो यहाँ से हम क्या करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो कि यहाँ नोट में दो तीन पॉइंट में लिखता हूँ कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री थीटा वन इक्वल टू जीरो डिग्री टू थीटा टू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो क्या है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यही क्या है तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन है ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल को थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ कि डाइपोल क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पैरेलल टू क्या है इलेक्ट्रिक, तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और फाइनल पूछा गया है कि 180 डिग्री आई मीन इसका मतलब क्या हुआ कि डाइपोल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एंटी पैरेलल टू द फील्ड आई मीन ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा थीटा वन इक्वल टू जीरो डिग्री और यहाँ थीटा टू इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। अब आपसे पूछा है वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा वन इक्वल टू जीरो आई मीन इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से इस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन फाइनल, ठीक है, तक रोटेट करने में आपको कितना काम करना पड़ेगा। तो देखो फार्मूला यही है ना बेटा, इसमें आपने क्या करना है इस फार्मूले में वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि वर्क डन कितना होगा वर्क डन इसका मतलब क्या है W एक्सटर्नल, समझ में आया क्या, इज इक्वल टू पी ई इंटू क्या होगा कॉस जीरो माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 180, ठीक है। और यहाँ देखोगे पी ई तो ये 1 माइनस ऑफ माइनस 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पी ई इंटू क्या हो जाएगा 2 आई मीन 2 पी ई क्या होगा वर्क डन होगा, तो ये कितना होगा वर्क डन, ठीक है। ऑफ कोर्स वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा पॉजिटिव होगा कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा उसी डायरेक्शन में डाइपोल क्या होगा रोटेट होगा, ठीक है। अब वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स कोई पूछे तो क्या बताओगे इज इक्वल टू क्या होगा नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंट तो कितना हो जाएगा माइनस 2 पी, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें भी पॉइंट पूछा जा सकता है नोट नंबर 1, दूसरा देखो कि वर्क डन इन रोटेटिंग
डाइपोल फ्रॉम थीटा वन इक्वल टू जीरो टू थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आई मीन पैरेलल से परपेंडिकुलर तक डाइपोल को रोटेट करने में कितना काम करना पड़ेगा। देखो इनिशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मान लो ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों पैरेलल है। अब पूछा गया है पैरेलल का मतलब एंगल जीरो हो गया। अब इसको राइट एंगल पे टर्न करने के लिए, राइट एंगल तक टर्न करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं देखो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यही डाइपोल है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ठीक है, समझ में आया। तो यहां क्या है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यहां थीटा वन इक्वल टू जीरो डिग्री हो गया। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन डाइपोल को परपेंडिकुलर लाना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, देखो तो यहाँ थीटा टू इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया। अब यहाँ आपसे कोई पूछे कि वर्क डन कितना होगा, तो देखो वर्क डन सिंपल, अभी फॉर्मूला भी हमने लिखा था, क्या होगा, पी इंटू क्या होगा, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, इनिशियल एंगुलर पोजिशन माइनस क्या होगा, फाइनल एंगुलर पोजिशन, ठीक है। तो इनिशियल क्या है, थीटा क्या है, जीरो डिग्री है बेटा, देखो जीरो कॉस जीरो लिखो, कॉस जीरो माइनस कॉस 90, ये कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, पी इंटू ई, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तुमको क्या मिल गया, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन का मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। थर्ड केस ये भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड देखो क्या हो सकता है, कि पैरेलल से थीटा डिग्री रोटेट कराने में कितना काम करना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। बाद में हम ट्रिक भी डेवलप लिखेंगे कि वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा वन इक्वल टू जीरो टू थीटा टू इक्वल टू थीटा, ठीक है, समझ में आया ना। I mean क्या होगा, पैरेलल से कुछ एंगल टर्न करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो देखो यही क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। डाइपोल भी क्या है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ थीटा वन इक्वल टू जीरो पी इज पैरेलल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। समझ में आई बात। अब हमको क्या करना है कि डाइपोल को क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कितने एंगल से टर्न करना है, थीटा एंगल पे। तो यही थीटा एंगल हमने क्या किया, फील्ड के साथ थीटा एंगल पे टर्न कर दिया, ठीक है। यही क्या हुआ, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मुझे क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का वही वर्क डन, यहाँ जो भी मैं वर्क लिख रहा हूँ बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब ये होगा वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। वैल्यू रख दो तो पी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वन
आई मीन कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा? वन होगा। कितना होगा? कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा? वन होगा। तो कॉस, देखो यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू क्या हुआ? पी ई इंटू वन माइनस क्या हो गया? कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये रिजल्ट याद रखना है, हाँ, लेकिन जो जनरल रिजल्ट मैंने बताया था कि वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल वाइल रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम एंगुलर पोजिशन थीटा वन टू थीटा टू इज इक्वल टू क्या होगा? पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। इसको आपको क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। अदरवाइज आपको यदि प्रूफ आता है टॉर्क डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो आप वहाँ से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है इसमें, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ डाइपोल मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो अभी जो भी रिजल्ट मैं कंसीडर कर रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म भी होगा तभी भी ये रिजल्ट वैलिड होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रॉब्लम, तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि यूनिफॉर्म नॉन टॉर्क हमने लिखा है पी क्रॉस ई, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एज वेल एज क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर हमने क्या किया, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या मान लेते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। समझ में आया क्या? हमने ये मान लिया। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, हमने सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, बेसिकली क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी हम डिफाइन करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि डाइपोल को एक ओरिएंटेशन से दूसरे ओरिएंटेशन में, एक ओरिएंटेशन से दूसरे ओरिएंटेशन में लाने के लिए जितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, वही जो होता है वो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है? एसोसिएट हो जाता है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट व्हाइल चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। समझ में आया क्या? तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिजल्ट पे आएंगे। वर्क हम पढ़ी गए हैं तो ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे कि चेंज इन, ठीक है, डेल्टा यू, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं वर्क डन इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, फॉर्म
चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। बहुत लंबा डेफिनेशन लिख दिया, समझ में आया ना? दैट इज क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं, चेंज इन, देखो डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, यहां मैं डाइपोल लिख देता हूं बेटा कि समझ में आना चाहिए आपको, या डेल्टा यू यहां डाइपोल, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब चेंज क्या होगा, देखो क्या लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन क्या लिखेंगे, फ्रॉम थीटा आई टू क्या लिखेंगे, थीटा थीटा एफ, यही होगा ना, आई मीन इनिशियल एंगुलर पोजीशंस थीटा आई से थीटा एफ तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा वही जो काम होता है डाइपोल के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो यहां से भी हम लिख सकते हैं, तो देखो आई मीन यू एफ माइनस क्या होगा यू आई इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा था देखो, तो पीई क्या लिखा था, कॉस थीटा आई माइनस क्या होगा, कॉस थीटा एफ। ठीक है, समझ में आया क्या? तो यही क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां से यू एफ माइनस क्या हो जाएगा यू आई इक्वल टू, आप लिख सकते हो देखो पीई कॉस थीटा आई माइनस क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, समझ में आया ना? ये सिंपल कि पोटेंशियल एनर्जी, यहां से भी देखो वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल। अब एक क्या करते हैं, जनरली जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना होता है तो एक रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या लिखा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आई मीन डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना काम करना पड़ता है वही जो काम होता है वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया ना? तो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट व्हाइल चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इक्वल टू, देखो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क हमने कहां किया, इनिशियल एंगुलर पोजिशन से फाइनल एंगुलर पोजिशन तक टर्न करने में डाइपोल को जितना काम करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये ऑलरेडी अभी हमने वर्क कैलकुलेट किया था, तो हमने लिखा यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू पी ई इंटू कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ, और यहाँ लिखा यू एफ माइनस यू आई पी कॉस थीटा आई माइनस क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा एफ। समझ में आई बात? अब हम डेफिनेशन, अब मैं ये मान लूँ कि इफ, देखो यहाँ से मैं कंसिडर कर लूँ, इफ थीटा I is equal to क्या हो जाए 90 डिग्री एंड थीटा थीटा F is equal to क्या हो जाए, थीटा हो जाए। ठीक है, समझ में आया? तो हम यहां लिख सकते हैं, देखो U U as a function of थीटा minus U as a function of 90 डिग्री is equal to क्या होगा, वैल्यू रखो यहां, तो देखो माइनस पी ई कॉस थीटा, यहाँ हम भी लिख सकते हैं यू थीटा इज इक्वल टू यू 90 डिग्री माइनस पी ई कॉस थीटा। समझ में आया? अब कभी कभी क्या है, इसका मतलब क्या है, समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल टर्न करने में जितना काम करना होता है वही जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है और कंजर्व हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ कभी कभी क्या है, अब यदि मान लें, ठीक है देखो ध्यान से,
इफ u 90 इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो u थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस pe cos थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं कि u एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस p डॉट क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा p डॉट। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी, देखो हमने रेफरेंस कहां माना है, जब डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है, उस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी हमने मान लिया है क्या है, जीरो। तब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डाइपोल इज एट एन एंगल थीटा, ठीक है, कितना होगा, माइनस पी डॉट ई, आई मीन निगेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर। समझ में आया, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद डाइपोल क्या होगा, माइनस पी डॉट ई होगा, आई मीन निगेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो ये समझ में आया कि डाइपोल को 90 डिग्री से, देखो सिंपल मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम रेफरेंस क्या मानते हैं, यहां से तुमको ये चीज समझ में आ जाएगा। देखो यहां, आई मीन जनरली क्या होगा, डाइपोल ये पी का डायरेक्शन है और ए का डायरेक्शन है, यही क्या है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां u 90 डिग्री पे है, समझ में आना, देखो ये नॉर्मल है ना, यहां हमने क्या मान लिया, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, आई मीन ये क्या हुआ, रेफरेंस लेवल हो गया। और अब डाइपोल को 90 डिग्री से थीटा एंगल टर्न करने में, कितने एंगल, थीटा एंगल टर्न करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो रेफरेंस लेवल क्या हुआ, 90 डिग्री, जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिखते हैं तो इन्फिनिटी को हम क्या मानते थे, रेफरेंस मानते थे, यहाँ रेफरेंस हम क्या मानेंगे, 90, आप यहाँ रखोगे थीटा जब 90 डिग्री रखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यू एज ए फंक्शन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, माइनस पी डॉट क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, क्या हो जाएगा, पी डॉट ई, तो यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब क्या होगा कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, तो बेटा कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ पोटेंशियल एनर्जी कितना एसोसिएट होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, माइनस या निगेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। टॉर्क क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, बाद में मैं एक जगह रिजल्ट लिखता हूं। ठीक है, तो यहां से अब क्या होगा, दो तीन चीजें तुमको ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी हम यूनिफॉर्म कंसीडर कर रहे हैं तो इसलिए यूनिफॉर्म बाद में, लेकिन ये रिजल्ट याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी भी ये रिजल्ट क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि टॉर्क क्या होगा, तो हम लिख देंगे कि फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए ऑफ डाइपोल, क्या होना चाहिए, टॉर्क ऑन डाइपोल
मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समझ में आया क्या? डाइपोल पे जो टॉर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यदि डाइपोल पे टॉर्क जीरो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन भी दो तरह का होता है, ठीक है। अब देखो, अभी हमने देखा था, देखो ध्यान से क्या क्या हो सकता है। अभी हमने देखा था कि पी ई साइन थीटा होता है इज इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि थीटा क्या होगा, जीरो डिग्री हो सकता है, और क्या हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है। समझ में आया ना, दो ही सिचुएशन पे डाइपोल जो होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा, ये हमने पढ़ा था। अब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा क्या होगा, इक्विलिब्रियम, देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देता हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखता हूं, ठीक है। ये दो तरह का होगा, एक को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, समझ में आया क्या? स्टेबल में क्या होगा ये जान लो कि इसमें क्या क्या होता है। पहले तो यहां क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होना चाहिए, टॉर्क ऑन डाइपोल, आई मीन सिंपल मैं लिख रहा हूं, टॉर्क ऑन डाइपोल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी, आई मीन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी मिनिमम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा आप बता सकते हो? अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो थीटा क्या होगा, अब आप मुझे बता सकते हो थीटा जो, देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, देखो जिसे U हमने लिखा था तो क्या लिखा था, माइनस पी ई कॉस थीटा। अब ये मिनिमम कब होगा, जब ये क्या होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, और ये मैक्स कब होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब क्या होगा, डाइपोल क्या होगा, देखो ध्यान से, जब डाइपोल इधर मैं लिख रहा हूं, यही क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो फील्ड के क्या हो जाए, फील्ड के जब पैरेलल हो जाएगा तो यहां थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री। यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और यू मीन कितना होगा, कितना होगा, माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। और इस समय डाइपोल जो होगा वो क्या होगा, डाइपोल जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन का होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होगा कि टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, और मैंने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, माइनस पी कॉस थीटा। अब यू मिनिमम तभी होगा जब कॉस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, वो तभी है जब थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी क्या होना चाहिए, पैरेलल, और तो क्या हो जाएगा, जो पोजीशन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हम बोल सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट विल बी मिनिमम, देन सच पोजीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए, पहला कि टॉर्क ऑन डाइपोल इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी पीई, पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, देखो ध्यान से, यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस पीई कॉस थीटा, यही होगा ना। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ए वाला टर्म क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए, और मिनिमम कितना हो सकता है, थीटा का मिनिमम, थीटा आई मीन कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस वन होगा। समझ में आया ना, इधर जब आप लिखोगे, इस साइड में लिख देता हूँ, तुम यही देखो, इसके नीचे ये चीज लिख लेना और इसके नीचे ये लिखना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यू यहाँ लिख सकते हैं, यू विल बी क्या होगा, विल बी मैक्स इफ थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो यू मैक्स कोई पूछे तो क्या बताओगे, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, प्लस पी। ठीक है, समझ में आया ना। और यदि पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ क्या है, पी इज एंटी पैरेलल टू क्या है, ठीक है, तो क्या है, फॉर अन स्टेबल। ठीक है, समझ में आया क्या, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन अभी का मतलब आपको समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम पोजिशन का मतलब समझ में आ गया, कि इक्विलिब्रियम पोजिशन का मतलब क्या होगा, कि टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा डाइपोल पे। अब स्टेबल और अनस्टेबल कैसे डिसाइड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी ई कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, डाइपोल का क्या होगा, स्टेबल और अनस्टेबल हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ हमने एक पॉइंट देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट में मैं दो तीन पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ एक ही जगह। ठीक है, देखो ध्यान से क्या होगा, नोट में लिख देता हूँ कि U का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस क्या होगा, P होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, पहले ही लिख दे, U कितना होगा, U इज इक्वल टू माइनस P डॉट क्या होगा। ठीक है, समझ में आया, यहाँ हमने क्या लिखा, U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद डाइपोल। U का मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या देखा अभी, P, और मिनिमम वैल्यू हमने क्या देखा, माइनस P। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अभी टॉर्क भी हमने देखा था, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि टॉर्क का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा डाइपोल पे, जो टॉर्क होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, पी हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि डाइपोल को थीटा वन पोजिशन, हमें ये देखा था कि वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा आई टू थीटा एफ। थीटा आई और थीटा एफ क्या है, एंगुलर पोजिशन ऑफ डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये देखा था कि ये कितना होगा, पी ई इंटू कॉस थीटा आई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एफ। तो एक की पॉइंट्स है, ये आपको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, तो आपसे कोई पूछे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल हो जाएगा। उस सिचुएशन में डाइपोल के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा वो मिनिमम हो जाएगा, और उस कन्फिग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कन्फिग्रेशन बोलेंगे। अब हम बोलेंगे कि देखो
टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखो क्या है, टाइम पीरियड तुमको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि जब भी क्या हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली आप क्या करोगे, डाइपोल को डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, तो इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, और तभी हम टाइम पीरियड, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक होगा, और फिर हम वहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। तो देखो ध्यान से, पहले देखो आप कि हम क्या करते थे, टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं और फिर उस पर टॉर्क लिखते हैं या फोर्स लिखते हैं। टॉर्क लिख करके टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं, फिर स्टैंडर्ड एंगुलर SHM का जो इक्वेशन होता है उसे कंपेयर करके हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अभी क्या है, यही डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक, ये अभी कोई पूछे तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, समझ में आया ना, अभी हमने पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब यदि आप क्या करो, डाइपोल को देखो यहां से थोड़ा रोटेट करो ऐसे, तो टॉर्क आपने देखा था कि कैसे लगेगा। देखो ध्यान से, मैं तुमको ये बता रहा हूं कि टॉर्क लगेगा कैसे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, पी क्रॉस क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई क्या होगा, पी क्रॉस ई, ठीक है, क्या होगा, पी क्रॉस ई जो होगा वो क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होगा, समझ में आया ना। तो वही आपको क्या करना है, सोचना है कि P क्रॉस, अभी यहाँ टॉर्क क्या है, देखो टॉर्क क्या है, यहाँ जीरो है बेटा। अब हमने क्या किया, थोड़ा आपको समझाने के लिए कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे लग रहा है, थोड़ा उसको हम देख लेते हैं। अभी इस डाइपोल को मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्लाइटली हमने क्या किया, थीटा एंगल से क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया ऐसे। यही क्या है, देखो ध्यान से, थीटा एंगल से हमने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। अब आप बता सकते हो कि बेटा इस पे टॉर्क क्या किधर लगेगा, देखो ध्यान से, हमने इसको डिस्प्लेस कैसे किया, एंटी क्लॉकवाइज। और टॉर्क आप देखोगे तो टॉर्क यहाँ क्या होगा, देखो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस क्या होता है, ई होता है, ठीक है, यही होगा ना। तो यहाँ देखोगे कि इस पे जो टॉर्क लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। आई मीन टॉर्क क्या कर रहा है, देखो हमने इसको डिस्प्लेस कैसे किया, ऐसे डिस्प्लेस किया, लेकिन इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो क्या कर रहा है, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन में लाने की कोशिश कर रहा है। एक तो सिचुएशन ये हो गया, ठीक है, बाद में हम वैल्यू लिखते हैं। दूसरा सिचुएशन यहाँ ऐसे भी देख सकते हो, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या किया, देखो इसको हमने कैसे डिस्प्लेस किया, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने क्या किया, यहां डाइपोल को क्लॉकवाइज डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, अगेन पी का डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो यहां देखो टॉर्क जो कैसे लग रहा है, टॉर्क ऐसे ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना बेटा, टॉर्क ऑन डाइपोल। यहां भी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पी क्रॉस ई। तो जब हम क्या कर रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डाइपोल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो जो ये टॉर्क है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क लग रहा है, दैट टॉर्क ट्राई टू ब्रिंग दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, समझ में आया ना। तो इसको क्या कर रहा है यहाँ टॉर्क जो है, जब भी आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर रहे हो, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क है वो क्या कर रहा है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं, हेंस टॉर्क, यहाँ आर लिख रहा हूँ, आर का मतलब क्या होगा, रीस्टोरिंग, इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी ई साइन थीटा। तो देखो यहाँ क्या है, अब थीटा के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है, इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट
अपने मेन पोजिशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूव करता है, तो वैसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। समझ में आया ना? तो यहाँ जब हमने क्या किया, इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो ये ऐसे थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर आएगा, जाएगा, ये रुक जाएगा, ठीक है। तो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन के कोरस्पॉन्ड अबाउट क्या होगा, ये बैक एंड फोर्थ क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। हैंस हम बोल सकते हैं, हैंस यहाँ बोल सकते हैं, सिंपल हैंस मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑसिलेटरी। समझ में आया ना? लेकिन अब लिखें हम कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब भी व्हेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस, स्लाइटली का मतलब क्या होता है, थीटा बहुत छोटा है, देन हम लिख सकते हैं, देन हम क्या लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू माइनस पी ई क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब बेटा ये ध्यान देना कि मान लो कि ये क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, अब यहाँ मैं थोड़ा चार्ज पार्टिकल दिखा देता हूँ, ये क्या हो गया माइनस क्यू और यहाँ क्या हो गया प्लस क्यू। मान लो ये दोनों का मास क्या है, एक का मास m2 है और दूसरे का मास क्या है m1। ये हो सकता है कि दोनों जो पार्टिकल्स हैं उनका मास डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। समझ में आया ना? और ये क्या है, रॉड है, ऐसे लाइट रॉड, ये कौन सा है, लाइट रॉड, उनके दोनों एंड पे दो चार्ज थे, क्या दोनों चार्ज को हमने क्या किया है, फिक्स कर दिया है, एक प्लस क्यू और दूसरा क्या है माइनस क्यू, तो इनके कम्बिनेशन को हमने क्या, हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। समझ में आया? तो यहाँ भी आप देखोगे, थोड़ा सा मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस क्यू और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ जो पार्टिकल है उसका मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2, ठीक है। यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ ये माइनस क्यू चार्ज है और m1 मास है, अरे चार्ज पार्टिकल है यार, उस पर मास सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी पार्टिकल पे चार्ज सेम है इसका मतलब ये नहीं है कि मास भी सेम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मास अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखो ये मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आप डाइपोल को रखते हो तो चार्ज नेट फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। समझ में आया ना? तो जब नेट फोर्स जीरो होगा तो टॉर्क जो होता है वो च्वाइस ऑफ ओरिजिन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, हो जाता है। आई मीन आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो, ऑलवेज उसका वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम जो टॉर्क लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आई अबाउट क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी ई थीटा। यहाँ देखो अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ई क्या होगा, आई सी ओ एम थीटा। अब यहाँ शायद तुमको कुछ दिख रहा है, एसएचएम चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो यहाँ तुमको दिखेगा कि जो मोशन जो होगा ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मोशन होगा वो क्या होगा, एंगुलर एसएचएम होगा, होगा क्या, अरे समझ में आया क्या, एंगुलर एसएचएम होगा क्या। हैंस हम बोल सकते हैं, हैंस मोशन ऑफ डाइपोल इज एंगुलर एस एच एम। नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, देखो तो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू क्या था, डी टू थीटा डी टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यही था क्या, कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई आई सी ओ एम, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ, टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट क्या होगा, आई सी ओ एम अपॉन पी इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, लाइट रॉड कंसिडर किया है, समझ में आया क्या, ठीक है। आई सी एम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ
मास, ठीक है, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ICOM क्या होगा ये लिख देते हैं, देखो यहाँ से, सो दैट तुमको कन्फ्यूजन नहीं हो। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, तुमको याद रखना चाहिए कि जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे और थोड़ा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दोगे तो उसका जो मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक होगा और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल टू 2π अंडर रूट ICOM अपॉन पी इंटू ई। ICOM क्या का मतलब क्या हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमने पढ़ा है, अब देखो यहां ध्यान से, ठीक है, ICOM कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से, यही डाइपोल है, इनके बीच चलो सेपरेशन हम मान लेते हैं, अभी क्या मान लें, डी मान लें, चलो डी मान लेते हैं सेपरेशन। इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ जो पार्टिकल है M1 है और ये क्या है M2 है, ये लाइट रॉड है ऐसे समझ सकते हो, नहीं मासलेस, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करेगा, तो मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि आई अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, रिड्यूस मास इनटू क्या होता है डी स्क्वायर, ऑलरेडी हम जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस मास, और रिड्यूस मास का वैल्यू क्या होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस क्या हो जाएगा M2, समझ में आया क्या। तो ICOM का वैल्यू आप क्या रखोगे, देखो यहाँ से ICOM इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू, ठीक है, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे म्यू, ठीक है, M1 M2 अपॉन क्या होगा M1 प्लस M2 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। ये तुम सेंटर ऑफ ICOM का वैल्यू यहाँ आसानी से क्या कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि इफ़ M1 इक्वल टू क्या हो जाए M2, देन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होगा कि ICOM इज इक्वल टू क्या होगा M/2 डी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। P का वैल्यू जब लिखोगे तो देखो यहाँ P इक्वल टू क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो क्या लिखेंगे Q इंटू हमने क्या लिखा यहाँ D। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, कि वो आप क्या करोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप छोड़ दोगे तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा सिंपल हार्मोनिक होगा और उसका टाइम पीरियड जो होगा उसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है बेटा, इसको क्या करना है याद कर जाना है। अब इस पर एक दो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन है, ये नॉन कंडक्टिंग क्या है, नॉन कंडक्टिंग प्लेन है, ठीक है। इस पे अभी मैं एक रिंग कंसीडर कर लेता हूँ, रिंग भी क्या है, रिंग जो है वो क्या है नॉन कंडक्टिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया। और थोड़ा मैं इसका ऐसे डिवीजन करता हूँ कि आपको शायद डाउट नहीं हो,
ठीक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इधर क्या है माइनस क्यू चार्ज, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब यदि मैं क्या कर रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म है। और ये दिया हुआ है कि मोशन, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, रिंग का रेडियस क्या है, आर है, और इसका मास क्या है, एम दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि यदि इन द शोन फिगर, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया कि क्या है, एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है, चार्ज रिंग है जिसका रेडियस क्या है, आर है, और मास क्या है, एम है, और चार्ज जो है वो क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस फिगर में दिखाया गया है, और रिंग कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। अब क्या किया गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया गया, स्विच ऑन कर दिया गया। और ये दिया हुआ है कि इफ द मोशन ऑफ क्या है, इफ द मोशन ऑफ द रिंग इज प्योरली रोलिंग देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एंगुलर क्या होगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, लीनियर एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। समझ में आया ना? तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को क्या करना है, ट्राई करना है। देखो इस रिंग को क्या करें, एक डाइपोल से रिप्लेस कर दो, तो डाइपोल का डायरेक्शन आपको मालूम है, एल ओ एस के ऐसे होगा, यही क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन हो जाएगा, ये ऑलरेडी डाइपोल हमने। अब टॉर्क कैसे लाएगा, देखो टॉर्क पी क्रॉस ई, आई मीन टॉर्क क्या करेगा, ऐसे रोटेट कराएगा, तो ऑफकोर्स जो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या है, इधर लाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स एस्थेटिक नेचर का होगा, तो आपको यही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ में आया ना? तो हमें इन द शोन फिगर सिंपल लिख देता हूँ, इन द शोन फिगर इफ मोशन मोशन ऑफ रिंग इज प्योरली रोलिंग देन, ठीक है, देन फाइंड, ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, बी क्या है, टाइम पीरियड, टी टाइम पीरियड तुम कैलकुलेट कर सकते हो, अभी बताया वो फॉर्मूला, ठीक है, सी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन एज वेल एज लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना, और आ जाएगा, आई थिंक नहीं आएगा तो इसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, क्या है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको भी ट्राई कर लेना तुम लोग, दो तीन क्वेश्चन है जो तुमको ट्राई करना चाहिए। कितना टाइम हुआ, हो गया, ठीक है, तो अच्छा चलो इसको ही ट्राई कर लेना, और दूसरा एक क्वेश्चन मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में देखूँ, ठीक है। कल तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल फिनिश हो जाएगा, ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।